असल के मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आप सबको मल्टी किचन में वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज किस्म की रेसिपी। आज हम बनाएंगे दावतों वाला कोरमा। जी, दावत पर जो कोरमा खाया जाता है, आज हम वो बनाएंगे बड़े स्पेशल तरीके से, मल्टी के स्टाइल में। चलते हैं उसके इंग्रीडियंट की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें, बेल आइकन उसको मस्त दबाएं, जो कि बिल्कुल फ्री है। उससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो फ्री में देखने को मिलेंगी। और वीडियो पसंद आए तो थम्स अप मस्त दें। देखिए जी व्यूवर्स, ये मेरे पास इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। मेरे पास यहाँ पे हाफ केजी से ज़्यादा चिकन है। मैंने सारा चिकन लिया, हर तरह की उसमें मैंने बोटी डलवाई है। मेरे पास यहाँ पे 3 आलू बहाड़ी हैं, 5 साबुत मिर्ची हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, 1 तेज़पत्ता है, 2 इलायची हैं, सबस 1 बड़ी इलायची है और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। ये बादाम का पेस्ट है जो मैंने रात को भी घोल लिए थे। 50 ग्राम मैंने यहाँ पे लिए हैं बादाम की गिरियाँ, उनको मैंने भिगो लिया था। छिलका उतार के मैंने उसको ग्राइंड कर लिया, चाहे पानी में ग्राइंड करें चाहे दूध में ग्राइंड करें। मेरे पास ये 1 पाव दही है और मेरे पास यहाँ पे 3 मीडियम प्याज हैं, जिनके मैंने ये पेस्ट बना लिया, यानी कि 2 लार्ज प्याज, इनका आप काट के छील के उसका पेस्ट बना लें। कुछ मसाला जाते हैं मेरे पास यहाँ पे, सूखा धनिया है 1/2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून जिंजर पाउडर है, 1 टेबल स्पून भर के मेरे पास लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून मेरे पास नमक है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी है और 1/2 टेबल स्पून काली मिर्ची है, 1/2 टेबल स्पून मेरे पास कचरी पाउडर है और 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर है। देखिए व्यूअर्स, यहाँ मैंने लिया है 5 टेबल स्पून घी लिया है। आप यहाँ पे यानी कि 1/2 कप यहाँ पे आप ऑयल भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जी गर्म होने के साथ साथ यहाँ पे खड़े मसाले डालूंगी, अपना ये जो है इलायची वाले, बस जरा से कड़कड़ाहट उसके आ जाए, खुशबू आ जाए, फिर यहाँ पे अपनी चौकी प्याज डालेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये कड़कड़ाहट की आपको आवाज़ आ रही है, कड़कड़ाहट होने से हो गई है। मैं अपना प्याज डाल दूंगी जो मैंने चॉप किया हुआ था। बस जी, इसमें हमने थोड़ा सा हल्का सा सोटे करना है ब्राउन होने तक, फिर कलर चेंज हो जाए। मेरे पास ये रेड प्याज है और वाइट भी सकती हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। ये देखिए, अभी अपना पानी छोड़ेगा और ये पकेगा, यानी इसको हमने डाई ब्राउन तक पकाना है। देखिए व्यूवर्स, मैं सारा पानी खुशक हो चुका है, कलर आपके सामने है कि पिंक हो चुका है, सॉटेज बिल्कुल हो गया है। अब इस फॉर्म पे आके मैं इसके अंदर डालूंगी अपना चिकन, जो मतलब मेरा 1/2 kg से ज़्यादा है। सारा चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप 1 टेस्ट करना सकते हैं, बस मसाले आप थोड़े से टेस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम लिया है बादाम लिया है, अब वहाँ पर 100 ग्राम में लीजिए, 75% में लीजिए। बाकी थोड़ी देर इसमें पकड़ेगा ये तो कलर चेंज होने नहीं, फिर हम इसमें अपने सारे मसाला जो आप ऐड करेंगे। देखिए जी व्यूअर्स, इनका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी अपने सारे मसाला जो जिंजर पाउडर वाले सारे मसाला जो इसमें ऐड होंगे। अब एक बार इसको सारा मिक्स कर लेंगे और फिर 30 सेकेंड तक भून लेंगे। देखिए व्यूअर्स, अब मैं इसमें डालूंगी अब अपना थोड़ा सा दही, करके अंदर डालेंगे, 1/2 डालूंगी पहले, तो देखिए आप बताने हैं, और फिर उसके बाद में 1/2 डालूंगी और इसके साथ उसको तरह से भून लेंगे। ये मेरा बीट किया हुआ दही है, फुल क्रीमी। बस ये कहने कि दही खट्टा ना हो, फ्रेश दही लेके आइएगा इसके लिए, बहुत मज़ेदार और बहुत बिल्कुल ये अलग सी रेसिपी है। दावतों में आपको चाहिए ग्रेवी, तो ये आपके लिए भरपूर ग्रेवी भी होगी और ये आपके लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट पका हुआ, जिनके मसाले नहीं परफेक्ट होते या कुछ नहीं होता। इसमें आप अपनी बस अकॉर्डिंग जो आपको लगेगा, सिर्फ नमक और मिर्चें ही हैं, वो भुनाई के टाइम पे आप इसमें डाजा कर सकते हैं। अब मैं इसको सब भूनूंगी। देखिए व्यूअर्स, ये हमें बकाया भी दही डालने लगी, उसके अंदर हाफ था, ये देखें। अब मैं उसकी भुनाई इस टाइम पर अच्छी तरह करूँगी, भून के जब पानी इसका खुशक होगा उसी में इसने पकना है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है। जो प्याज ने पानी छोड़ा है उसने प्याज पक चुका हुआ है, चिकन ने पानी छोड़ा हुआ है वो उसने मसाले पक रहे हैं, और साथ में बेन जो बना बेन ने अपना पानी छोड़ना है। अब देखिए मुझे मेरे पास आलू बहाड़ा रेड मिर्च थी, मैं भी इसमें ऐड कर लूँगी ताकि इसमें चिकन का जायका चला जाए। और ये बुनाई के टाइम पर देखें, तकरीबन थोड़ा सा पानी इसके अंदर रह गया हुआ है, वो भी इसके अंदर से खुशक हो जाए। देखिए व्यूअर्स, पानी तकरीबन खुशक हो चुका है, सिर्फ बहुत कम पानी रह गया। इसमें मैं इसका ये सारा बादाम का मिक्सचर डाल दूंगी मैं, और इसमें ये पकेगा मज़ेदार
खुशबुएं आ रही हैं कसम से, बहुत मज़े का लग रहा है। आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं किस कदर ये खूबसूरत लग रहा है। अब जब तक इसका घी साथ से निकल नहीं आएगा तब तक हम इसे पकाएंगे। जी व्यूवर्स ये देखें, मैं इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करने लगी हूँ। थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, थोड़ी सी ये हरी मिर्ची है मेरे पास एक अदद कटी हुई, और एक टेबल स्पून स्लाइस में कटा हुआ ये अदरक है। मैं इसको नान के साथ आज सर्व कर रही हूँ, आप किस चीज़ के साथ करेंगे मुझे कमेंट में मस्त बताएं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी वे में बनने वाली ये है रेसिपी, और बहुत मज़ेदार और बहुत ही लजीज किस्म की ये लग रही है। देखिए व्यूवर्स, ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी आपके सामने है, कितनी जल्दी बन गई और कितने मज़े की लग रही है। इसको मस्त बनाइएगा अपनी दावतों में, अपने घर की रूटीन में, और मुझे ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। आपके व्यूज़ का और आपके थम्स अप का मुझे रहेगा इंतज़ार। इसी रेसिपी के साथ मेडी किचन से मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।